हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको ऐसे पता है कि इग्नू में जो है जुलाई 2020 के लिए फ्रेश एडमिशन शुरू हो गए हैं। जी हाँ, फ्रेश एडमिशन यानी कि एडमिशन जो है जुलाई 2020 के स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए आइए, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कब से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, किस किस प्रोग्राम के लिए, ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, साथ में आपको फॉर्म किस तरह से भरना है, थोड़ा सा डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी इस वीडियो का कि किस तरह से आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, किस तरह से भर सकते हैं, तो आप वहां से वॉच कर लीजिएगा किस कहाँ पे जाके आपको जो है एडमिशन लेना है। क्योंकि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मेन पेज पे हूँ, तो यहाँ पे आपको लिंक नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप इग्नू के यहाँ पे मेन पेज पे आएंगे। ओके, मेन पेज पे आने के बाद आप मेन्यू देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑनलाइन। रजिस्टर्ड ऑनलाइन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेश एडमिशन आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे फ्रेश एडमिशन पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक न्यू वेबसाइट जो है यहाँ पे, सॉरी न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जुलाई 2020। अब आप यहाँ पे प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट फॉर एडमिशन 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई जो है यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा और कुछ भी देख लेते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे यूजर नेम अपना देना होगा, पासवर्ड देना होगा, यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो यहाँ पे लिख के और लॉगिन कर जाइए। ठीक है ना। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके लिए फिर यहाँ पे साइन अप करना होगा। यहाँ पे आपको करना क्या क्या है, इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो ये चीज़ जो यहाँ पे चीज़ दी है, इसको आपको बहुत केयरफुली पढ़ना होगा, रीड करना होगा। और मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरे तो पहले उसमें जो इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश दिए होते हैं उनको अच्छी तरह से आप पढ़ें, देन इसके बाद उस फॉर्म फिल करें। ओके, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हम क्लिक करते हैं यहाँ पे क्लिक हियर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। ओके, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, जो आपको फॉर्म भरने के पहले पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक है ना। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे आपको एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे आप लगाएंगे तो वो आपको पहले से यहाँ पे जो है तैयार करना होगा। यहाँ पे आपको अपना एक कहना चाहिए कि यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, सेम उसी तरह से जिस तरह से आप किसी भी वेबसाइट के लिए या फिर कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके लिए आप क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बनाना होगा। यहाँ पे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको जरूर पढ़िएगा, कितने नंबर के आपके पासवर्ड होने चाहिए, कितने डिजिट के होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, यूजर नेम किस तरह का होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है। तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आगे यदि आप इनको नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट आप यहाँ पे साइन इन करने लग जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो पासवर्ड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और यूजर नेम में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या करना है। आपको यूजर नेम दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ओके, फिर एप्लीकेंट फुल नेम आपको यहाँ पे जो है एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स में आपके नेम है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है ना, एप्लीकेंट नेम में। फिर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, प्लीज यूज योर ऑन ईमेल और एज दिस विल बी यूज फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उस ईमेल पे आपको आपके आरसी की तरफ से जो है मैसेज आएंगे। ठीक है ना, मेल आएंगे, हर एक इंफॉर्मेशन जो है आपको उसी ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि जो ईमेल रनिंग कंडीशन में इस समय चल रहा है, जो आप यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे डालें तो एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस हो जाएगा। ओके, री इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, अगेन उसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए कंफर्म ईमेल एड्रेस में लिख के। ठीक है, फिर पासवर्ड, यहाँ पे देखिए पासवर्ड में मैं वही आपको कह रही हूँ, मिनिमम 6 कैरेक्टर,
यानी कम से कम 6 उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है ना। कम से कम, ज़्यादा आप ले सकते हैं लेकिन उससे 6 से कम नहीं होने चाहिए, नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि आपने 5 का डाल दिया या 4 का डाल दिया तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो कम से कम मिनिमम 6 कैरेक्टर्स के यहाँ पे होने चाहिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। फिर री एंटर पासवर्ड, उसी पासवर्ड को आपको अगेन यहीं पे डालना है। ओके, कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा वो। मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर से आपको बता दूँ, मोबाइल नंबर वही होगा जो रनिंग कंडीशन में है, क्योंकि उसमें भी आपके लिए मैसेज आते हैं, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे। तो ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, जो रनिंग कंडीशन में है, चल रहे हैं, जो एक्टिव है, उनको आपको यहाँ पे फिट करना है। फिर री एंटर मोबाइल नंबर कर देना है। और यहाँ पे देखिए कैप्चा दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे क्या करना है, इसे सीधे यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है, लिखने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, तो आप क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो जब इतनी प्रोसेस आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक यूजर नेम यानी कि लॉगिन करने के लिए एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिल जाएगा। ओके, इतना हुआ, क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे जैसे देखिए होम और रीजनल सेंटर भी यहाँ पे दिया हुआ, आप लिस्ट देखना चाहते हो तो इसको क्लिक करके देख सकते हैं। एडमिशन के बारे में या फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं, उनके आंसर यहाँ पे रहते हैं। तो आपके मन में कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे ओपन करके उसे आप देख सकते हैं। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं रनिंग टाइम में और जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर यूजर गाइड भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो अवेलेबल प्रोग्राम्स, ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो अभी यहाँ पे है और आप उनके लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे प्रोग्राम दिए हुए हैं, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऊपर दिए हुए हैं, जैसे ACPDM, ठीक है ना। तो ये जो है सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का है, 6 मंथ का ये आपका कोर्स होगा, ठीक है ना, ड्यूरेशन जो उसके 6 मंथ है। इसी तरह से ACE जो है, ये भी सर्टिफिकेट है, 3 मंथ का है। APBPFV जो ये है, ये भी आपका जो है, तो ये भी सर्टिफिकेट है। यहाँ पे अब यहाँ से आ जाते हैं प्रोग्राम के लिए। देखिए BAG बैचलर ऑफ आर्ट, यदि आप BA करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ये है, जिसको इन्होंने अब नाम चेंज कर दिया, पहले BAG था, सॉरी BA था, अब उसका नाम चेंज कर उन्होंने BAG कर दिया है, ठीक है ना। तो ये देखिए BAG को क्लिक करेंगे, मैं न्यू विंडो में ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। आप रीड मोर के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर लीजिए, चलिए यहाँ पे न्यू विंडो में मैं ओपन कर देती हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से और भी प्रोग्राम है, जैसे BTS है, बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, टूरिज्म स्टडीज जो है, तो BTS यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट टूरिज्म स्टडीज यानी टूरिज्म के लिए कोर्स हो गया, इसके लिए रीड मोर यहाँ पे करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। BAECH यहाँ पे है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इकोनॉमिक जिसे बोलते हैं, यानी इकोनॉमिक ऑनर्स कोर्स जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे है। बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, आप देख लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रीड मोर में जाके कर लीजिए। क्योंकि बैचलर प्रोग्राम्स हैं तो सभी की, इनकी ड्यूरेशन की यदि हम बात करते हैं तो 3 ईयर के होंगे, ठीक है, बैचलर जितने भी आपके प्रोग्राम है। BCA भी है जो है यहाँ पे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी जो है अभी मुझसे हो रहा है, तो BCA भी यहाँ पे है, 3 ईयर का प्रोग्राम है। ओके, अब यहाँ पे बी लिव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ पे है, 1 ईयर का है। इसी तरह से बैचलर ऑफ साइंस जो है 3 ईयर का है, BSCG, ठीक है ना, जैसे BSc होता है तो BSCG इसका नाम रख दिया। तो बहुत सारे यहाँ पे कोर्स हैं, मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, CIG यानी सर्टिफिकेट इन गाइडेंस भी है यहाँ पे, 6 मंथ का ये कोर्स है। ओके, बहुत सारे यहाँ पे हैं सर्टिफिकेट के लिए, जैसे सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, CLIS जो होता है, CLIS जो है, वो भी यहाँ पे प्रोग्राम है, 6 मंथ का ये प्रोग्राम है। तब देखिए सर्टिफिकेट वाले प्रोग्राम्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना, ये देखिए 6 मंथ ये सभी सर्टिफिकेट वाले प्रोग्राम है, CTE, CPF, CPEL, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। ओके, हमने एक खोला था यहाँ पे नीचे, मास्टर डिग्री वाले प्रोग्राम है, ठीक है ना, आप यहाँ पे भी देख लीजिए। अब यहाँ से जो है 1 ईयर जो ये चल रहा है, मास्टर डिग्री वाले प्रोग्राम से यहाँ पे आ गए हैं। हमारे फेसबुक पेज इग्नो गाइडेंस फॉर यू को आप फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट इग्नो गाइडेंस को भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दी जाती है आपको इग्नो से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मिलेंगे आपको यूट्यूब के लेक्चर वीडियो, साथ में ही ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप इग्नो गाइडेंस को।
इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। थैंक यू। अब हमने एक ओपन किया था बीएजी का, जैसे ये देखिए बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट का है, तो डिग्री है, ठीक है। मोड क्या होगा? ओपन डिस्टेंस लर्निंग होगा, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, और ड्यूरेशन है 3 साल जो है आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। और जिसका टाइम होता है 3 साल का है, और ज्यादा भी टाइम होता है आई थिंक 5 ईयर होता है कि 5 या 6 साल के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और मीडियम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज। और फिर इस पे जो स्पेशलाइजेशन है वो बीएजी यानी कि आप बैचलर ऑफ आर्ट होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ये देखिए दिया हुआ है, सभी चीजें दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे रीड कर लीजिए। एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है, 10+2 12th पास होना जरूरी है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट और बीपीपी फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपने किया तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। फीस कितना होगा? तो इन सभी के लिए आपको वही है कि मोर में, रीड मोर में जाना पड़ेगा फीस के लिए। जैसे ही खोलेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, ठीक है ना। सपोज दैट मान लीजिए आप यहाँ पे एक ये प्रोग्राम आप इसका देखना चाह रहे हैं पीजी डीसीजे का, तो रीड मोर पे जाइए। रीड मोर पे जाएंगे तो कि पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, फीस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन आप रीड मोर में जाके ले सकते हैं। नेम ऑफ कोर्स, कितने कोर्स, कोड क्या क्या है, फिर कोर्स कौन कौन से हैं, क्रेडिट कितने हैं, सेमेस्टर कितने हैं, ये सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है। रीड मोर में जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर का था, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर था ये, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर का यानी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर था, इतने सारे हैं। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर देख लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे इतने कोर्स कोड है यहाँ पे, फिर इतनी क्रेडिट है, ये सभी चीजें यहाँ पे दी है, ठीक है। फिर ऑप्शनल कोर्स भी यहाँ पे कुछ है, कोर्स कोड है, नेम ऑफ कोर्स, तो पूरी इन्फॉर्मेशन है। किस तरह से चूज करना है सब्जेक्ट, इसका भी ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, बीएजी का, बीएससी का, बीकॉम का, तो आप वो वॉच कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी रहेगी कोर्स कोड जो है चूज करने में, ठीक है ना। और उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, ठीक है। रीजनल एंड स्टडी सेंटर डिटेल यदि आपको चाहिए हो तो वो भी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, देन रीजनल सेंटर से आप जो है एडमिशन ले रहे हैं, तो वो भी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे दी हुई है, आपको कहीं और जाने और भटकने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इतनी लंबी, अब मेन तो आपका वो कम ही था कोर्स का, अब यहाँ पे जो है पूरे रीजनल सेंटर और स्टडीज जो है उनकी पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए दिल्ली के बारे में जानना चाह रहे हैं, श्रीनगर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, रांची के बारे में आप वहां से बिलोंग करते हैं, रायपुर, अब रायपुर में है तो किस आरसी से आप बिलोंग करते हैं, सभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। वुमेन्स कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई, कौन कौन से स्टडी सेंटर यहाँ पे है, गुवाहाटी वहाँ पे कौन कौन से स्टडी सेंटर किन कॉलेजों को बनाया गया, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये आपको हर एक में मिलेगा, हर एक में, जैसे सॉरी मैं यहाँ पे बैक कर देती हूँ, जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे मैंने एक और ओपन कर लेती हूँ, आपकी डाउट को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बीएजी का बीटीएस का ले लेते हैं, बीटीएस को आप यहाँ पे ओपन करिए, और यहाँ पे देखिए डिग्री हो गया ये, ठीक है ना। 3 ईयर का कोर्स होता है, मीडियम हिंदी और इंग्लिश है, टूरिज्म स्टडीज है, अब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फीस क्या है, कितनी है, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप देखिए। रीजनल एंड स्टडी सेंटर डिटेल यहाँ पे सब में रीजनल सेंटर स्टडी डिटेल मिल जाएगा यहीं से आपको। तो फॉर्म किस तरह से भरना है इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा। सब्जेक्ट किस तरह से चूज करने हैं उसका भी वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, ठीक है ना, वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। यूजर आईडी किस तरह से क्रिएट करना है, तो फॉर्म किस तरह से भरना है उसी में हमने बता दिया है, तो उसको जरूर आप वॉच करिएगा। यदि आप फॉर्म भरने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, तो प्लीज आप गलती मत करिएगा, ठीक है ना। आप एक बार इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा, उसमें क्या कहा गया है, इसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हम आपके लिए और भी यूजफुल जो वीडियो लेके आते रहते हैं वो लेके आएंगे। और आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। फिर आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, ठीक है ना, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। फेसबुक पेज भी बना हुआ है इग्नू गाइडेंस के नाम से, इग्नू गाइडेंस फॉर यू, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो बहुत सारी यहाँ पे हमने आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, बस आपके आने की देरी है, तो लाभ उठाइए, इसका बेनिफिट लीजिए। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और हमारी वेबसाइट से, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।